हड़ताल पर बैठे हरियाणा भर के सरकारी क्लर्क। हरियाणा के सभी सरकारी क्लर्क हड़ताल पर बैठ गए हैं। लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, पे स्केल में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं ये क्लर्क। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये क्लर्क बैठे हैं। पे स्केल में बढ़ोतरी की मांग है। देखिए, ये चाहते हैं कि इनका पे स्केल जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए और इसी की बढ़ोतरी की मांग को लेकर इन्होंने हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये जो क्लर्क हैं वो बैठ गए हैं। अब कितनी जल्दी इनकी मांग को सुना जाता है, कोई एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्लर्क की हड़ताल पर जाने की वजह से काम भी प्रभावित होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पे स्केल में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये क्लर्क अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और इन्होंने ये साफ कह दिया है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं कर दी जाती, इनका ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेगा। गुरुग्राम, अंबाला, यमुनानगर और कैथल की ये तस्वीरें हैं। इन अलग अलग जगहों पर जो क्लर्क हैं वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर सभी ये कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल ऐसे ही शुरू कर देंगे तो कितना काम प्रभावित हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। गुरुग्राम, अंबाला, यमुनानगर और कैथल से क्लर्क की हड़ताल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। चारों ही जगहों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का जो ऐलान है वो किया गया है। गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ कह रहे हैं ये क्लर्क और कब तक इस हड़ताल को ये जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, किसी ने आपको बताना चाहूंगा, देश भर में अलग अलग जिलों की मैं बात करूं तो सरकारी जो क्लर्क है वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और उनकी जो मुख्य मांगे हैं पे स्केल को बढ़ाने को लेके हो जो है वो हड़ताल पर चले गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप इसका असर जो अधिक जो असर है वो देखने को मिल रहा है, वो तहसील कार्यालय में सबसे ज्यादा जो इसका असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की जो रजिस्ट्री है या फिर टोकन लेके लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं और क्लर्क ना होने के चलते काफी लोगों को परेशानी है, उनका सामना जरूर कर रहे पड़ता है। और जो मैं बात करूँ सरकारी विभागों के जो क्लर्क है वो अलग अलग विभाग के क्लर्क हैं और सुबह 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक ये लगातार ये धरने पे रहते हैं। और ऐसे में संजय, तो काम कितना प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑफिस टाइमिंग में भी ये लोग हड़ताल कर रहे हैं तो लोगों को भी दिक्कतें आ रही होंगी, काम तो अच्छा खासा प्रभावित हो रहा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि स्वाभाविक सी चीज है, जब क्लर्क अपने कार्यालय में नहीं रहेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे, तो इसकी वजह से काफी जो काम है वो प्रभावित हो रहा है और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी शिकायत गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को भी ग्रामीण बात करूँ लोगों ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो इनकी मांग है पे स्केल को बढ़ाना 19,000 से बढ़ाकर 34,400 रुपए है जो वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 19,000 से बढ़ाकर इसको 34,000 के करीब कर दिया जाए, जिससे कि इनका यही आरोप है कि इनके पालन पोषण में परिवार चलाने में काफी परेशानी इनको आ रही है और इसमें बढ़ती हुई महंगाई के चलते अब इन्होंने ये मांग रखी है सरकार के सामने कि जब तक इनका जो पे रोल है वो नहीं बढ़ेगा तो ये अपने काम पर नहीं रुक रहे, जिसकी वजह से तमाम अधिकारियों को और कार्यालय में तमाम जो जनता है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए संजय, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती अपने प्रदर्शन को इसी तरह से जारी रखेंगे, ये हड़ताल जारी रहेगी, जिसकी वजह से अब काम भी प्रभावित होने लगा है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी और कितनी जल्दी ध्यान देती है।